लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है। हालांकि एनडीए को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है, आधी से ज्यादा सीटें हार गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर जश्न नहीं मना पा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं जश्न का माहौल है, लेकिन मन में एक टीस जरूर है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, कम से कम फूलपुर सीट तो बच गई, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं और बड़ा आह्लादित हैं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार तीसरी बार फूलपुर में झंडा गाड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, अथक मेहनत से। और नेतृत्व के जो कार्यकर्ता निर्माण करता है वो इस तरीके के कार्यकर्ताओं से सार निश्चित तौर पर फूलपुर में जीत मिली है तो खुशी होगी। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और तेज तर्रार नेता सुरेंद्र चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, केंद्र में तो आप लोग जो है फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमजोरी क्यों हुई, क्या वजह मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश कमजोर हम लोग नहीं है। जब एक कोई शेर होता है जंगल का, जब अच्छा काम करने लगता है तमाम बाधाएं आती हैं। तो जितने अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति थे जो बचना चाहते थे, और चाहे जिस जात धर्म वर्ग को हो, वो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश यह दिमाग लगाए कि यह अगर अच्छे से चुनाव जीतेंगे 80-80 चैलेंज करके तो पुनः हम लोगों के साथ वही होगा। मगर यह मान के चलिए कि यह जो जीत हुआ है निश्चित तौर पर, जो ना बरसात देखा, ना ठंडी, ना इतनी धूप, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अपने मनोयोग से लगकर इतने मेहनत करके यह जीत जीते, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई जाता है। और अभी इस पर हमारी समीक्षा बैठक भी होगी कि कुछ हमारे साथ रह के भी लोग छल कपट जो किए हैं उनका भी खैर नहीं है, मतलब भीतर घात जो किए हैं लोग उनका भी खैर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन और संस्कृत और संस्कार सब सिखाती है, कैसे करने वालों को माफी नहीं है। तो ऐसे भी करने वाले को, जो खाटी भाजपाई है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इतने कम सीटों पर निश्चित तौर पर हम लोगों को उतना उत्साह नहीं है जितना होना चाहिए। बाकी हम लोगों का अपार खुशी है, देवपुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे केंद्र में, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और कुछ विपक्षियों को यह लगता है कि हम इतने सीट पाएंगे तो माना कि लगता है कि प्रदेश में हम सरकार बदलने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी तो एक तरीके से ये जो अभी देख रहे हैं इससे भी बेहतर है लोगों के लिए, मतलब जो भीतरघात किए हैं उनको आप चेतावनी दे रहे हैं कि कार्रवाई भी होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। भाजपा रह के गद्दारी नहीं किया जा सकता, और जो ऐसा किया है, जो करा है, निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो पता चल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी है, हर व्यक्ति के पीछे देवपुरुष नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, केशव जी का, योगी जी, नड्डा जी का, भूपेंद्र जी का, राधा मोहन जी का, सबका कैमरा लगा हुआ है, सबको सूचना पहुंच रही है। इसलिए अपार खुशी है कि तीसरी बार मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो कमियां होंगी निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर मैं प्रदेश तक, जो जरूरतें की चीजें आम जनमानस जहां सुनकर थोड़ा बहुत नाराजगी रही होगी। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे कि ये जो नतीजे आए हैं इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए अनिल भाई, कि खुशी है या मन में टीस है, केंद्र की जीत की खुशी है या उत्तर प्रदेश में हार का की टीस है? निश्चित तौर पर देवपुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है उससे मन दुखी है। और जो भारतीय वजह क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश का, वजह हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए, और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो जुगत बनी उसको बहुत हल्के में लिया, इसके कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान कहा है। जो मुझे लगता है, क्या लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए आप लोग? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं, अभी जैसा कि माननीय एमएलसी साहब ने कहा कि भीतरघात इसमें प्रमुख देखा जा रहा है कि पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया है, और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दमदारी से चुनाव लड़े हैं, और उसका ये परिणाम है कि आज हमारे फूलपुर से एसएससी सांसद भाई प्रवीण पटेल जी
अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ भाई, ये बताइए कि जिन कार्यकर्ताओं पर, कुछ लोगों पर आज आरोप लग रहा है कि भीतरघात किया, यही तो 2014 से लेकर 2022 तक लगातार जिताते चले आए हैं। निश्चित रूप से भीतरघात तो हुआ है, जिसके कारण हमारे मत प्रतिशत में और सीटों में कमी आई है, और सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकमबेंसी थी, कहीं ना कहीं उसका भी असर है। मोदी और योगी जी का कोई विरोध नहीं था, जो हमारे सांसद 10-10 साल से थे लगातार, और वो चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकमबेंसी थी, और मोदी जी और योगी जी के साथ अभी पूरा देश एकजुट है। मतलब टिकट बंटवारे में कहीं चूक हुई है, मानते हैं? हम लोगों से थोड़ा सा चूक हुई है, जो निगेटिव विपक्ष के द्वारा फैलाया गया संविधान को लेके और तमाम चीजों को लेके, हम लोग उस निगेटिव को सही तरीके से रख नहीं पाए, और हमारे कुछ बड़बोले नेताओं के द्वारा कुछ गलत बयान दिया गया, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से ये विचारणीय है कि भविष्य में इस तरीके का बड़बोलापन अच्छा नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष राज। संतोष भाई, ये बताइए कहाँ चूक हुई? बहुत बड़ी चूक हुई, आपस में ही लोग भीतरघात किए। मैं माननीय योगी जी से, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने पार्टी को उनकी छटैया करें जो गद्दार हैं, गद्दारों को एकदम निकाल दें, उन्हीं के गद्दारी से आज हम लोग इस मुकाम पे उत्तर प्रदेश। ये सुरेंद्र जी कह तो रहे हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी चाहिए कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो चुनाव हम लोग उत्तर प्रदेश में सीटें कम पाए हैं, उसमें दो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसपे भी हमारे आदरणीय MLC साहब से कहूंगा कि जैसा उन्होंने, भाई साहब ने, हमारे बड़े भाई हैं, कहा है, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोग लगभग 65 साल की उम्र में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार, नहीं, कहा जा सकता है कि लोगों ने बड़ी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने, कुछ ही लोगों ने गड़बड़ी की होगी। अब बताइए, विपक्ष तो बड़ा उत्साहित है, वो कह रहा है कि इसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा, सरकार या तो जाएगी या मुख्यमंत्री बदलेंगे या कुछ ना कुछ उथल पुथल होगी। चाहे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तय करती है, बदलेगी नहीं बदलेगी ये बात नहीं है, मगर कुछ मैं भी कहूँगा, कुछ जो अधिकारी तबका लोग हैं, प्रतिनिधियों से बातचीत ना करना, जैसे कहना नहीं चाहिए हमको, यही तीर्थराज प्रयाग के एक रवि शर्मा है, कभी भी कोई प्रतिनिधि जल्दी फोन नहीं उठाते हैं। काम क्या होता है, किस पद पर है? अब यहाँ के CP हैं, उनसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, बाकी अधिकारी वर्ग अच्छा काम कर रहा, प्रतिनिधियों का बात कम सुनी जाती है, ये भी आक्रोश है अंदर अंदर। हम किसी जनता के लिए पैरवी करें तो आपके कहने में कोई उसका सुनवाई नहीं है, दूसरा कोई कहता उसका सुनवाई होता है, तमाम चीजें हैं। हम लोगों को भी कहीं कहीं तकलीफ होता है कि मनमानी ढंग से इनका अधिकारियों को इतना छूट दे दिया गया है कि गलत काम करने लगे हैं। ये सपा और कांग्रेस बसपा मानसिकता से काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं अधिकारियों के भरोसे तो आप लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, माफिया राज खत्म हो गया है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय अलग है, इसके पहले भी तो ही अधिकारी रहा करते थे। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे यहाँ महाराज जी सुधारे हैं ना भाई, बाकी ये अंदर से क्या करते हैं इनका भगवान ही बता सकता है। ये उतनी तरीके से खरा नहीं उतरते जितना खरा हम लोग चाहते हैं। मतलब मंथन होगी, समीक्षा होगी हार के कारण? हाँ, हार के कारण को सपा बसपा कांग्रेस मानसिकता से काम किए हैं, ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करके दिया जाएगा कि भी, जैसे जमुना पार में भी काफी SO काफी CP काम किए हैं, काफी काम किए हैं सपा कांग्रेस के लिए, विपक्ष पर वोट कराए हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के धक्का देख भगाया गया है, तमाम ऐसे ही कार्रवाई होगी। तो धन्यवाद, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि ये कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, साथ ही अधिकारियों की तरफ से जो अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं की गई, उसी की वजह, उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।